standing. कुछ दूसरा क्वेश्चन सुना ब्रो, इज देयर एनी क्वेश्चंस? दूसरा है अर्निंग लेवल, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या जाके हमें तो यहाँ पे 9,000 रुपये महीने का कमा लेते हैं, आप वहाँ पे हमें 6,000 रुपया दोगे, उसमें क्या होगा, बाल बच्चे भी हमारे गांव में रहेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे इतने खर्च हो जाएंगे, घर में क्या भेजेंगे, उससे ज़्यादा तो अपने गाँव में कमा लेते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें कोई क्वेश्चन? 6,000 में कन्विंस कैसे करते हो, क्योंकि आपको 6,000 देंगे, आप क्या बोलते हैं, क्या आगे देंगे या पहले प्रॉब्लम बता रहे, कन्विंस को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम बता, वेल डिस्कस द सॉल्यूशन आफ्टर, सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है वेलनेस टू कम, वेलनेस टू कम, मतलब वो आने में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि हम यहाँ पे ये खाना मिलता है वो मिलता है, ऐसे करके वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लड़के, एक प्रॉब्लम जो है खाने पीने में, जब सेंटर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, टाइमिंग प्रॉब्लम, वो लड़के बोलते हैं कि हम तो इतने बजे जाके सो के उठते हैं, हम इतने बजे ट्रेनिंग में कैसे जाएंगे, और आपके ट्रेनिंग का टाइमिंग इतने बजे से लेके इतने बजे है, कंटिन्यू हम नहीं कर पाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। हम लोग का जितना मतलब प्रॉब्लम्स हुआ ना मोबिलाइजिंग में, उसका सॉल्यूशन हम लोग का सर बताएंगे, मिस्टर पूरन। गुड इवनिंग टू ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टॉपिक है चैलेंज, मोबिलाइजेशन चैलेंज है, मोबिलाइजेशन प्रॉपरली है ना, जैसे हम गांव में जाते हैं तो स्पेशली जो है बच्चे जो एक बार में कन्विंस नहीं होते, मानते नहीं कि प्रोजेक्ट आपकी जो है 3 महीने प्रोजेक्ट करने के। अब गांव में जाते हैं मोबिलाइजेशन करने के लिए, तो आप जाते हैं बच्चे मिल जाते हैं, कैसे हो जाता है जी? मार्केट स्केल जैसे ग्रुप में जैसे बच्चे रहते हैं वहाँ पर, हम ग्रुप में जाके वहाँ पर बच्चे को समझाते हैं प्रॉपरली, जो हमारे जो DDU जी हमारे कैब फाउंडेशन जो जो पेपर जो होती है उसको दिखाते हैं, उसके बारे में पूरी डेफिनेशन बताते हैं, है ना। अगर प्रॉपर्ली अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हम जो है सबसे स्टार्टिंग जो है CO के पास जाते हैं, जो जिला पंचायत जनपद पंचायत होती है ना, उनके पास अगर हमको ऑर्डर मिलती है तो हम जो है सरपंच के पास जाते हैं गांव में, ठीक है। उसमें उसके बाद जो है बच्चे जब ये सब चीज़ मोबिलाइज जो है प्रॉपर्ली होने के बाद जो है काउंसलिंग के लिए जब हम क्लास सेंटर में बुलाते हैं अपने सेंटर पे, तो प्रॉपर्ली पेरेंट्स के साथ बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें जो है हमारी पूरी प्रोजेक्ट के बारे में जो योजना है, वो जो है 2 महीने का जो OJT है, सॉरी 2 महीने का जो ट्रेनिंग सेट है, 1 महीने का OJT, इसका प्रॉपर्ली हम पेरेंट्स को कन्वर्स करते हैं, उसको समझाते हैं। नहीं तो उसमें नो क्वेश्चन नहीं, आप लोग अपना नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। अभी आप लोग लाइन में कहां चले गए? 1 मिनट मैडम, 8 मिनट ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग का सागरी का निवेदित था, जो ट्रेनिंग का ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो अभी डिस्कस करेंगे। उनको समझाना चाहिए 6,000 रुपीज में हम लोग मतलब स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, थोड़ी नहीं इस खेती में हमेशा ही खेती में रहना, स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा ही आता है, उसमें एक टाइम गैप हुई थी एजुकेशन, उनका टाइम में हम जो बच्चे को चूज करके लाते हैं वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स मतलब एजुकेशन में थोड़ा उनका मतलब क्या होता है, गैप हो जाता है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, हम लोग ऐसे ही है, उनको थोड़ा मतलब न्यूज चैनल में कुछ पढ़ाना चाहिए, जैसे वो लोग कुछ काम कर सकते हैं अच्छे काम, उनको क्या होता है डिफिकल्ट टू जज होता है, उनको हमें समझाना पड़ता है बहुत बारी से, वो फिर भी समझते नहीं है। प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा होता है कि अगर हम उनको बताते हैं एक चीज़ तो वो समझते हैं और कोई दूसरा चीज़ समझते हैं, तो उनको क्या होता है उनके लेवल में जाके उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनको। और फिर क्या होता है स्ट्रेस फियर, ये तो सबको होता है, डेफिनेटली स्ट्रेस फियर होगा, पर उन बच्चों के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है स्ट्रेस फियर। आज वो कभी ऐसे सबके सामने आके किसी
उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जब कभी हम उनको कुछ बोलते हैं, जाओ जाके स्टेज पे करो, अगर किसी को बोलते हैं वॉलंटियरली आके कुछ बोलो, तो वो बोलने में हिचकिचाता है, तो क्या होता है, सब कुछ समझ नहीं आता है। अगर दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम पता नहीं चलता। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है वो पता नहीं चलता है ना। फिर स्पीक वो कहने में उनको दिक्कत होती है, कभी कभी उनकी लैंग्वेज को समझना भी हमें थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। रीजन चेंज होता है जैसे, वैसे लैंग्वेज भी चेंज होते हैं, तो उनके बोलने के हिसाब से हमारा बोलने का हिसाब वो थोड़ा अलग होता है। तो ऐसा ये प्रॉब्लम भी होता है कि कभी हम उनको समझ नहीं पाते हैं, कभी वो हमें समझ नहीं पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स में आता है। मिस भुवना सर आ रहे हैं, जितना आप लोग का ट्रेनिंग के ड्यूरिंग प्रॉब्लम हुआ था उनका सलूशन वो बताएं। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रेनिंग में हम किस टाइप से उनको चैलेंजेस में लेके इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो है जैसे इंडक्शन क्लास, एक एक बच्चे जैसे हम जितने भी बच्चे होते हैं उनके एक साथ बैठा के सबकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपका ये डोमेन है और आपका इंटरेस्ट ये है, उसके हिसाब से अगर वो आप ट्रेड चॉइस करते हैं तो आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है काउंसलिंग और इंडक्शन करना, उस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देना कि स्टार्टिंग में आपको क्या सीखना पड़ेगा, क्या प्रैक्टिकल्स होंगे, मार्केट में आप कैसे काम करोगे, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, किस मार्केट में किस टाइप का आपका जॉब मिलेगा, इन फ्यूचर आप कैसे और उस चीज़ को ग्रो करोगे। इंडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस लेवल में। सेकंड जो होता है क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू डोमेन, जैसे बच्चा अगर कोई भी डोमेन लेता है, डोमेन लेने के बाद क्या होता है बच्चे को ABCD कुछ भी पता नहीं होता है डोमेन के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ रहता है कि रोल प्ले के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, प्रैक्टिकल्स के द्वारा हम उन बच्चों में इंटरेस्ट जगाए ताकि वो उन चीज़ों को करके इंजॉयफुल वो चीज़ करें, और जब वो जॉब करें तो उनको वो चीज़ बर्डन ना लगे, वो उस चीज़ को बहुत इंजॉय करें अपनी लाइफ में। तो क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू द डोमेन, सेकंड इज द दैट, एंड द थर्ड वन इज द बूस्टिंग विद दैट ट्रेड, बूस्टिंग आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट ट्रेड, मतलब उनको चीज़ में इतना बूस्ट कर देना, इतना उनके माइंड में इस चीज़ को बिठा देना कि नहीं आपका ये ट्रेड है और आप इस ट्रेड को अगर आगे लेके जाते हो उस फील्ड को, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, आपको उससे बेटर ही मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग हम लोग का जितना प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है वो उनको समझाएंगे हम लोग का मिस अर्शिदा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जो प्लेसमेंट करते हैं ना, प्लेसमेंट के ड्यूरिंग जो भी प्रॉब्लम आता है उसको, जैसे कि एजुकेशन लेवल, अभी कहीं पे भी हम जो हमारा स्टूडेंट है उसको प्लेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक एजुकेशन मतलब डिग्री होता है कि इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा तभी उसको हम लेंगे हमारे फील्ड में, ठीक है। तो उसका एजुकेशन का प्रॉब्लम आता है जब भी प्लेस करने जाते हैं। फिर सेकंड प्रॉब्लम है सैलरी का इशू, अगर कोई हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए आया बच्चा उसके पास जॉब नहीं, इसीलिए हम उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, ठीक है। तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली उसको सैलरी कम मिल रहा है, तो उसको सैलरी कम सैलरी में मतलब मिनिमम हमें 6000 या 4500 सैलरी में उसको वहाँ पे रखना है, तो वो रेडी कैसे होगा, मतलब कि इतने कम सैलरी में उसको भी मतलब फैमिली में वो सैलरी कैसे वो कंप्लीट कर पाएगा फैमिली को। फिर है चूजिंग द डोमेन सब्जेक्ट, तो जब भी काउंसलिंग करते हैं तो जो बच्चा जो डोमेन के लिए मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएगा, सीख पाएगा, तो ही उसको वो जो फील्ड है उसमें जॉब मिलेगा, ठीक है। अगर वो अगर कोई रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है तो वो सीख नहीं पाएगा, ना ही उसको जॉब मिल पाएगा, तो वो उसके लिए रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए कम्प्लीटली जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो भी उसको सही तरीके से चूज करना है। तो ये जो सारा प्रॉब्लम है वो प्लेसमेंट के ड्यूरिंग आता है। अभी इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन लाइक अंडरस्टैंडिंग द कैंडिडेट्स विलिंगनेस, लाइक कैंडिडेट क्या करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। सपोज किस बंदे को हम आईटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको हॉस्पिटैलिटी में भेज रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यू लाइक टू आई वांट टू कंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सो
इसको मैं एक कंक्लूड करके समझा।